मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने खरगोन में आओ बनाए अपना मध्य प्रदेश सम्मेलन को संबोधित किया। जनसंपर्क मंत्री राजेंद्र शुक्ल ने सतना जिले के मेहर में महाराज अग्रसेन की प्रतिमा के अनावरण और अग्रसेन चौक का लोकार्पण कार्यक्रम में कारीगर और समाज के वयोवृद्ध नागरिकों को सम्मानित किया। और उच्च एवं तकनीकी शिक्षा मंत्री उमाशंकर गुप्ता ने उच्च शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक को संबोधित किया। नमस्कार, एमपी लाइव की खबरों में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं सुप्रिया यादव। आइए खबरें देखें विस्तार से। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज शहडोल जिले के विभिन्न गांवों का भ्रमण कर लोगों की समस्याएं सुनी। मुख्यमंत्री ने प्राथमिक शाला झीरिया टोला का निरीक्षण कर छात्र छात्राओं से चर्चा की। मुख्यमंत्री ने छात्र छात्राओं की मांग पर बाउंड्री वॉल बनाने के निर्देश मौके पर उपस्थित कलेक्टर को दिए। इस दौरान मुख्यमंत्री ने छात्र छात्राओं से मध्याह्न भोजन कार्यक्रम, गणवेश और निःशुल्क पुस्तक वितरण के संबंध में जानकारी। क्षेत्र के भ्रमण के दौरान मुख्यमंत्री ने ग्राम पंचायत पंच गांव में स्कूली छात्र छात्राओं से चर्चा की और स्कूल में शिक्षा की गुणवत्ता के विषय में जानकारी ली। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि प्रदेश में अब कोई नया शराब कारखाना और दुकान नहीं खोली जाएगी। उन्होंने कहा कि राज्य शासन ने समान वर्ग के छात्रों को भी छात्रवृत्ति देने का निर्णय लिया है। चौहान आज खरगोन में आओ बनाए अपना मध्य प्रदेश सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। इस अवसर पर उन्होंने 18 करोड़ 18 लाख रुपए की लागत से 52 निर्माण कार्य का लोकार्पण और शिलान्यास भी किया। मुख्यमंत्री ने हितग्राही मूलक योजनाओं में 17,000 से अधिक हितग्राहियों को 84 करोड़ से ज्यादा की राशि वितरित की। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान विदिशा में गणतंत्र दिवस समारोह में राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे और परेड की सलामी लेंगे। विधानसभा अध्यक्ष सीता शरण शर्मा होशंगाबाद और उपाध्यक्ष राजेंद्र सिंह सतना में गणतंत्र दिवस समारोह में ध्वजारोहण कर मुख्यमंत्री के संदेश का वाचन करेंगे। प्राध्यापक और अन्य स्टाफ की अनुशासनहीनता किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी, चाहे वह मेरा रिश्तेदार हो या किसी अन्य का। सभी शैक्षणिक और गैर शैक्षणिक स्टाफ को अपने शासकीय दायित्वों का निर्वहन करना ही होगा। उच्च शिक्षा मंत्री उमाशंकर गुप्ता ने यह बात उच्च शिक्षा विभाग की समीक्षा करते हुए कही। गुप्ता ने कहा कि अगर क्षेत्रीय कार्यालयों में अपर या संयुक्त संचालक रहना है तो सख्त प्रशासन करना होगा। मुख्य सचिव एंटोनी डिसा ने कहा है कि प्रदेश में पात्र हितग्राहियों को विभिन्न योजनाओं में प्रकरण मंजूर करने के कार्य की समीक्षा जिला स्तर पर की जाएगी। इसके लिए कलेक्टरों को निर्देश दिए जाएंगे। मुख्य सचिव ने 153वीं राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति की बैठक में ये बात कही। मुख्य सचिव ने कहा कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान स्वयं शीघ्र ही मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के साथ ही अन्य योजनाओं की बैंकवार समीक्षा भी करने जा रहे हैं। एमपी लाइव की खबरों में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए ईएमएस टीवी न्यूज। नमस्कार।